नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो हैदराबाद लोकसभा सीट का इतिहास बदल देने के लिए कमर कस के तैयार है। राजनीति में नई एंट्री होने के बावजूद अपने धुआंधार प्रचार से ओवैसी परिवार की सियासी चूल्हे हिला रही है। आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता है। माधवी लता सियासत के मैदान में बिल्कुल नई है, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा का मुकम्मल बयां करता हुआ चेहरा है, जो कि सोशल वर्कर है, नृत्यांगना है, सिंगर है, हॉस्पिटल चलाती हैं। और यही वजह है कि जिस हैदराबाद लोकसभा सीट पर पिछले 40 साल से ओवैसी परिवार का कब्जा है, उस सीट पर पहला कमल खिलाने की जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। तो जंग का ऐलान कर दिए हैं। गूंज दिल्ली तक सुनाई दिया है। आंधियों का कोई ठिकाना नहीं होता, न ही आंधियों के आने का कोई वक्त मुकर्रर होता है, लेकिन आंधियां जब आती हैं तो बड़ी बड़ी इमारतों की चूल्हे हिल जाती हैं। ऐसी ही एक आंधी हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में हुंकार भर रही है। ये आंधी कोई और नहीं बल्कि हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता है। माधवी आ गया हो, माधवी आ गया हो, माधवी के लिए सब लोग ताली बजाओ भाई। इक्कीस लाख वोटरों का जो आंसू आज तक बहते आया है, शायद उसका गूंज दिल्ली तक सुनाई दिया है, और उनके लिए न्याय करने के लिए हमारे जितने भी बड़े भाई वहां बैठे हुए ना, तो जंग का ऐलान कर दिए हैं। जिस लोकसभा सीट पर पिछले 40 सालों से ओवैसी परिवार का एक क्षेत्र अधिकार रहा है, उस हैदराबाद में कमल खिलाने के लिए कमर कस के तैयार है ये आयरन लेडी। माधवी लता का साफ कहना है कि देश के लोगों के लिए मैं नई उम्मीदवार हो सकती हूं, लेकिन हैदराबाद का जर्रा जर्रा मेरी संघर्ष यात्रा से बाकायदा वाकिफ है। असदुद्दीन जी के हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट के लिए नई नहीं हूं मैं, वहीं पढ़कर बड़े हुए 25 साल मैं रह चुकी वहां के असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंसी याकतपुरा के नाम से, जहां पे संतोष नगर कॉलोनी है। मैं मोहल्ले मोहल्ले से, बस्ती बस्ती से वाकिफ हूं और वहां का हर इतिहास में वाकिफ हूं। असदुद्दीन ओवैसी के हैदराबाद में ललकार रही इस महिला का आत्मविश्वास देखकर बड़े बड़े दिग्गज हैरान हैं। कमाल ये है कि जो असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश में मुसलमानों की आवाज उठाकर अपनी सियासत पर शान चढ़ाते हैं, उन्हीं ओवैसी को उन्हीं के पुश्तैनी गढ़ में मुस्लिम वोट बैंक के दम पर ही पटकनी देने के लिए पूरी तरह तैयार है माधवी लता, क्योंकि पिछले दो दशकों से वो ओल्ड हैदराबाद में मुस्लिम महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, मुस्लिम महिलाओं के हेल्थ केयर के लिए काम कर रही हैं, गरीब मुस्लिम बच्चे बच्चियों की तालीम को लेकर काम कर रही हैं, माथे पर गहरे लाल रंग की चटकदार बिंदी, मांग में सुहाग का सिंदूर और गले और कलाई पर रुद्राक्ष की माला लपेटकर वो ओल्ड हैदराबाद के मुस्लिम इलाकों में बेखौफ होकर जाती हैं। महिलाओं की समस्याएं सुनती हैं और उनके निराकरण के लिए मुहिम चलाती हैं। गरीब मुस्लिम परिवारों को अपने पैसे से मुफ्त राशन देती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तमाम चुनौतियों और खतरों के बावजूद उन्होंने हैदराबाद में तीन तलाक के खिलाफ लंबा अभियान चलाया है। कहने की जरूरत नहीं कि माधवी लता ने अपने व्यक्तित्व में सच्चे सनातन संस्कारों के साथ दमित शोषित मुस्लिम महिलाओं के कल्याण की भावना को समावेशी तरीके से ऐसे पिरोया है कि विरोधी लाजवाब हो जाते हैं।
अगर मैं धर्म सिर्फ हिंदू की बात करती हूँ, एक ही तरफ का बात करती हूँ, तो मैं इतने सारे बच्चों को, लड़कियों को जो मुसलमान बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके अलग अलग स्वास्थ्य के लिए मैं मदद नहीं करती थी। अगर मैं सिर्फ हिंदू के लोगों को और हिंदू धर्म के प्रति बात करती हूँ, तो मैं आज तक 1000 मेडिकल कैंप्स नहीं करती थी मुफ्त में, और फ्री में तकरीबन 8 साल से कर रही हूँ, उनको मेडिसिन बांटती नहीं। अगर मैं सिर्फ हिंदू धर्म के बाद में बात करती हूँ, तो 1008 नॉर्मल डिलीवरीज फ्री सिर्फ हमारे ओल्ड सिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए नहीं करते, जिसमें तकरीबन 70-80% लाभार्थी मुसलमान ही औरत है। साफ है कि माधवी लता पैराशूट लैंडिंग करने वाले उन उम्मीदवारों से बिल्कुल अलग हैं, जिन्हें अपने इलाके की डेमोग्राफी, ज्वलंत मुद्दों और सियासी समीकरण की बुनियादी समझ भी नहीं होती। ये महिला तो अपने इलाके के तमाम सियासी मुद्दों से इस तरह घुली मिली हुई है कि इसे गुमराह करना लगभग नामुमकिन है। माधवी लता सियासी अखाड़े में बेशक नहीं है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर वो किसी भी मझे हुए सियासतदान से ज्यादा जहीन और ज्यादा संजीदा हैं। इसीलिए पैराशूट लैंडिंग करने के बावजूद वो ऐसे ऐसे मुद्दों को उठा रही हैं, जिनका विरोधियों के पास कोई जवाब नहीं है। तो प्रधानमंत्री का आवास योजना कहाँ चले गया? प्रधानमंत्री जी का विश्वकर्मा योजना कहाँ चले गया? क्यों अभी भी इतने सारे लोग, सबसे कम लाभार्थी सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में? क्यों? क्योंकि यहाँ वो करने नहीं चाहते, करने नहीं देते, लेकिन हम छुपने बैठेंगे। हम मुसलमान परिवारों को, हिंदू परिवारों को, दोनों को बराबरी से ऊपर उठाने की सारी प्रयत्न करेंगे और दोनों को समान देखने का पूरा विश्वास देंगे। साफ है कि बीजेपी ने हैदराबाद जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर एक नए चेहरे के साथ दांव खेला है, तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। आपको बता दें कि हैदराबाद वो लोकसभा सीट है जहां पिछले 40 साल से ओवैसी परिवार का कब्जा है। 1984 में असदुद्दीन ओवैसी के वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी पहली बार यहां से सांसद बने थे। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साल 2004 तक यहां से सांसद बने रहे। वालिद के बाद खुद असदुद्दीन ओवैसी लगातार यहां से अच्छे अंतरों से चुनाव जीतते रहे हैं। साल 2019 में मोदी लहर के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी बीजेपी के डॉक्टर भगवंत राव को 2,82,000 से भी ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। लेकिन इस बार ओवैसी की राह आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि इस बार उनके मुकाबले एक ऐसी फौलादी महिला है जो राजनीति के मैदान में नई होने के बावजूद सारे दाव पेच जानती है। माधवी लता उन मुद्दों को भी खुलेआम उठा रही हैं, हैदराबाद में जिन पर मुंह खोलने से पहले लोग बाग 100 बार सोचते हैं। माधवी लता की मजबूत सामाजिक पृष्ठभूमि चुनावी अखाड़े में उनके लिए वरदान साबित हो रही है, क्योंकि सियासत में बेशक नहीं है, लेकिन हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए एक जाना पहचाना चेहरा है। काफी लंबे समय से वो लोगों के बीच जाती रही हैं, उनकी परेशानियां सुनती रही हैं और उसके निदान की कोशिश भी करती रही है, और यही वजह है कि उनके पास मुद्दों की भरमार है और तगड़ा होमवर्क भी है। हैदराबाद लोकसभा सीट के 4 दशक के चुनावी इतिहास में शायद पहली बार है जब ओवैसी परिवार को इतनी कड़ी टक्कर मिल रही है। दिलचस्प तो ये है कि अपनी उम्मीदवारी के ऐलान के बाद ओवैसी की नाक में दम कर देने वाली ये आयरन लेडी चुनावी राजनीति में एकदम नई नवेली है। हालांकि एक सच ये भी है कि इस माधवी लता के व्यक्तित्व के जितने आयाम हैं, जितने रंग हैं, उतने एक ही ह्यूमन काइंड में आपने शायद ही देखा हो। माधवी लता भरतनाट्यम की कुशल नृत्यांगना है, उन्होंने भरतनाट्यम की बाकायदा दीक्षा ली है। नृत्यांगना के अलावा माधवी बहुत अच्छी पेंटर हैं, ईश्वर ने अच्छा गला भी दिया है, इसलिए थोड़ा बहुत गा भी लेती हैं। खास तौर पर भजन गाती हैं। साली चा, मतवारी।
साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हैदराबाद में स्थित विरिंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन हैं और इन सब के अलावा माधवी डेडिकेटेड सोशल वर्कर भी हैं। पिछले दो दशकों से वो विश्वनाथ फाउंडेशन, लोपा मुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लाथामा फाउंडेशन की ट्रस्टी हैं। ये सामाजिक संस्थान वीमन एम्पावरमेंट से लेकर गरीब बच्चों के एजुकेशन, हेल्थ केयर के लिए उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं कि माधवी लता जुझारू कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ, दृढ़ निश्चयी और इन सब के साथ एक अत्यंत भावुक महिला हैं। राजनीति के मैदान में बेशक नहीं हैं, लेकिन इस मैदान में भी जिस तरह की हाई लेवल मैच्योरिटी वो दिखा रही हैं, उससे अनुभवी राजनेता बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबका साथ सबका विकास, यही मोदी बाई का सबसे बड़ा धर्म का मुद्दा है। हिंदू धर्म कभी भी एक ही चाह है कि हम सब भाई बहन हैं इस देश के और हम सब साथ चलेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगी, देश की प्रगति होगी। यहाँ ना मुसलमान है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना जैन है, यहाँ सब भारतीय हैं भाई। और सभी भारतीय को सभी कॉन्स्टिट्यूशन का हर हक मिलना चाहिए और उस हक मिलने के लिए हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। जिस हैदराबाद लोकसभा सीट पर करीब 59% मुस्लिम मतदाता हैं, उस सीट पर सनातन के उत्थान की बात से जरा भी नहीं हिचकने वाली माधवी लता अगर मुसलमानों के राष्ट्रीय नेता असदुद्दीन ओवैसी को ललकार रही हैं, तो ये मान लीजिए कि ये महिला बहुत दमदार है। जिस ओवैसी को पूरे देश में बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, उस ओवैसी के खिलाफ आग उगलने से जरा भी परहेज नहीं है माधवी लता को। ओवैसी ने जब नफरत को हराने और मोहब्बत का राज कायम करने का राजनीतिक बयान दिया, तो देखिए किस तेवर के साथ इन्होंने रिएक्ट किया। हाँ भैया, जैसे फिरते रहता है चक्रकाल का चक्र, असद भाई तो माहिर है, ही कैन चेंज एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। रिसेंटली ही सेज किसका बाप का जागीर है अयोध्या, उसका छोटा भाई बोलता है 15 मिनट दे दो। दीज आर द पीपल टुडे वांट टू टॉक अबाउट पीस। मिस्टर असद जी, आप बंद करो ये नाटक ड्रामा करना। हम भी कुछ कच्चे गोलियों से खेले सो लोग नहीं है। वी नो वॉट यू आर टिल डेट, अदर देन हेट्रेड स्पीच वॉट हैव यू स्प्रेड इन मुस्लिम्स। दिलचस्प तो ये है कि ओवैसी को उन्हीं के गढ़ में पटकनी देने के लिए माधवी लता ने जबरदस्त होमवर्क किया है। माधवी हैदराबाद में 6 लाख से ज्यादा वोगस वोटर्स के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही हैं। अपने दावे के पक्ष में कच्चा चिट्ठा साथ लेकर घूम रही हैं। एंड आई विल शो यू ऑन अ हाउस देयर आर सो मेनी वोट्स, जहां पर आपको इतनी छोटी सी घर रहती है, आई मीन लाइक नॉट इवन 10x10, यू विल हैव सम 50-60 वोट्स ऑन दैट पर्टिकुलर हाउस। I've carried so much. It's like I don't know how much more even I have to carry. Bahadurpura, this is like by the house number. How many votes are there per house? In on one house number, there are 278 votes, 208 votes, 154 votes, 149 votes. And these houses will be not more than your this room that you we are both sitting. साफ है कि माधवी लता सिर्फ हवा हवाई बातों के जरिए हैदराबाद के अखाड़े में नहीं उतरी हैं, हैदराबाद लोकसभा के जमीनी मुद्दों से भली भांति वाकिफ हैं। वोटर्स के मिजाज की गहरी समझ है, जनता की परेशानियों, उनकी चाहतों, हसरतों की डीप स्टडी की है माधवी ने। सियासी रकीब के खेमे की जीत की रणनीति को बखूबी समझते हुए उसके काउंटर की भी तैयारी की है इन्होंने। कुल मिलाकर हैदराबाद लोकसभा सीट पर इस बार ओवैसी परिवार का सिंहासन डोल रहा है। हालांकि आखिर में क्या होगा ये तो जनता ही तय करेगी। दिलचस्प तो ये है कि सामाजिक कार्यों के लिए इतना ज्यादा वक्त देने के बावजूद माधवी लता अपने परिवार के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। माधवी एक समर्पित पत्नी होने के साथ ही एक अत्यंत भावुक माँ भी है। ऐसी मां जिसने अपने बच्चों को कभी स्कूल नहीं भेजा, लेकिन स्कूल नहीं जाने के बावजूद उनके बच्चे आज सफलता की बेमिसाल इबारत लिख रहे हैं।
हैदराबाद लोकसभा सीट पर असदुद्दीन ओवैसी को टक्कर दे रही माधवी लता का समूचा व्यक्तित्व इतना बहुआयामी और बहुमुखी है कि कई बार लगता है कि वो रियल जिंदगी की नहीं बल्कि रील के किरदार हैं। पढ़ाई के दिनों से ही माधवी के व्यक्तित्व में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक स्पार्क था, इसीलिए इन्होंने तय कर लिया था कि शादी उसी इंसान से करेंगी जो दहेज के खिलाफ तो हो ही साथ ही अपना पैसा खर्च करके अपनी दुल्हनिया बनाकर उन्हें अपने घर ले जाए। जहां चाह वहां राह, जिस युग में दहेज का बोलबाला था उस युग में विश्वनाथ के रूप में माधवी को एक ऐसा योग्य हमसफर मिला जिसने माधवी की जिद पूरी करते हुए शादी में लड़की वालों का एक पैसा खर्च नहीं होने दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बतौर सोशल वर्कर जरूरतमंद मजलूम परिवारों का सहारा बनने वाली माधवी परंपरागत भारतीय पत्नी के रूप में भी उतनी ही कामयाब हैं। सामाजिक कार्यों और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच माधवी कैसे समन्वय बिठा पाती हैं, ये अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है। इनके मातृत्व कौशल की तो मिसाल दी जाती है। काबिले गौर है कि दो बेटियों और एक बेटे की मां माधवी ने अपने बच्चों को कभी स्कूल नहीं भेजा, ममता के महफूज आंचल की शीतल छांव में रखकर घर में ही उनकी पढ़ाई करवाई। स्कूल इसलिए नहीं भेजा क्योंकि माधवी को अपने बच्चों की आंखों से आंसू की एक बूंद गिरना भी गवारा नहीं था। I have three children, so कभी भी मेरे बच्चे रोते स्कूल नहीं जाना था, वो बेसिक रिक्वायरमेंट था। अच्छा। कब नहीं रोते बच्चे, तो मुझे रोना नहीं था बच्चों को, बिकॉज आई वॉज टीचर फॉर 25 to 30 ईयर्स इन माई लाइफ, इन माई यंग, बाई द टाइम आई वॉज इंटरमीडिएट ने मैं तब से टीचर थी, सो टू द एक्सटेंट आई रिमेम्बर नो किड इन माई क्लास एवर क्राइड व्हेन माई एज वॉज इवन 17 ईयर्स। बच्चों को रुला रुला कर स्कूल भेजना नागवार था, इसलिए तीनों बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, लेकिन उन बच्चों ने कामयाबी की ऐसी बेनजीर इबारत लिखी है कि सुनने वाले अभिभूत हो जाते हैं। आज माधवी की सबसे बड़ी बेटी लोपामुद्रा और बेटा रामकृष्ण परमहंस IIT मद्रास से बीटेक कर रहे हैं, जबकि छोटी बेटी 11वीं में है। माधवी लता ने अपने बच्चों को विज्ञान के साथ ही भारत की गौरवशाली ज्ञान परंपरा में भी गहराई के साथ दीक्षित किया है। माधवी ने खुद अपने बच्चों को गीता ज्ञान में पारंगत किया है। ज्ञान और विज्ञान के इस अनूठे समन्वय का पावन प्रतिफल ये है कि बड़ी बेटी लोपामुद्रा विष्णु सहस्त्रनाम का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रही हैं। My eldest daughter, whose name is Lopamudra, at the age of just 15, she is youngest girl child in the country to get into IIT Chennai. Now she is actually translating Vishnu Sahasranamam in English. आपको बता दें कि खुद माधवी लता भगवान कृष्ण की अनन्य उपासक हैं। हर इंसान में भगवान के स्वरूप को देखने की प्रेरणा उन्हें भगवान कृष्ण से ही मिली है, और ये संभाव उनके व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से खिलकर दिखाई देता है। ओल्ड हैदराबाद में गरीब मुस्लिम परिवारों की हर मुमकिन मदद करने के साथ ही माधवी मंदिरों को बचाने की लड़ाई भी लड़ रही हैं। माधवी लता का आरोप है कि ओवैसी परिवार की 40 साल की रहनुमाई ने ओल्ड हैदराबाद को अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिया है। हाँ, कुछ नहीं है आज, ना पढ़ाई है, ना हेल्थ फैसिलिटी है उनको, ना रोड साफ है, ना मोहल्ले साफ है, ड्रेनेज का पानी बहते रहता है, मदरसे में बच्चों को खाना नहीं मिलता है, मंदिरों को कब्जा होते रहता है, हिंदुओं के घरों में वो लोग घर तक नहीं मालूम, एक दीवार टूटता है तो नहीं पता है आगे आके कौन आके उसको कब्जा करेंगे, मुसलमान के घरों में बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे पूरे वहां पे चाइल्ड लेबर हो जाते हैं, ना उनके पास पढ़ाई है, ना उनके पास ठीक तरह से घर है, ना उनको कोई भविष्य है, क्या है उनके पास। साफ है कि माधवी लता पूरी शिद्दत से, पूरी तैयारी के साथ और भविष्य के रोड मैप की पेशबंदी के साथ मैदान में उतरी है। जनता जनार्दन का फैसला क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन अपने बहुआयामी व्यक्तित्व और धुआंधार चुनाव प्रचार के दम पर माधवी ने असदुद्दीन ओवैसी की पेशानियों पर बल जरूर ला दिया है। तो बंदे में है दम में आज आपने हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की जिंदगी से जुड़ी कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक और ऐसे ही बेहद दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।